छुटकारा नहीं, हर आदमी पुल सिरात पर गुजरना। अल्लाह के नबी कहते पुल सिरात पर गुजरने वालों के दाएं बाएं दो चीजों को अल्लाह खड़ा कर देगा, एक जानिब रिश्तेदारी खड़ी हो जाएगी, दूसरी जानिब अमानतदारी खड़ी हो जाएगी। दुनिया में पैसा में घपला करे वाले, मस्जिद के चंदा ले ले को खाए वाले, मदरसे के नाम पर लूट लूट को बिल्डिंग बना लिए वाले, यतीमान के नाम पर अंजुमन के नाम पर वो फंड ये तंजीम वो तंजीम ये दावा सेंटर लूट लूट को कारा में फिरने वाले, अमानत में खयानत करने वाले और रिश्तेदारियां काटने वाले। मियां बीवी का रिश्ता अच्छा नहीं, भाई भाई से रिश्ता अच्छा नहीं, भान भाई का रिश्ता अच्छा नहीं, अम्मा बाबा से रिश्ता अच्छा नहीं, रिश्तेदारियां काटने वाले। एक तरफ रिश्तेदारी खट जाती, एक तरफ अमानतदारी खट जाती। जो जत्ता अमानत में पक्का रहता, जो जत्ता रिश्तेदारियां निभाने वाला रहता, ये रिश्तेदारी ये अमानतदारी उसे सहारा देकर पुल सिरात पार करा डालती। अगर उन्हें अमानतदारी में अनकम्प्लीट है, अगर उन्हें रिश्तेदारियां निभाने में अनकम्प्लीट है, ये रिश्तेदारी ये अमानतदारी उसे ऐसा पकड़ को जकड़ डालती ना उन्हें पुल सिरात पार कर सकता ना उन्हें पुल सिरात से गुजर सकता। और जो गुजरता उन्हें जन्नत में जाता, जो नहीं गुजरता उन्हें कट को जहन्नम में गिर जाता। पुल सिरात एक बड़ी आजमाइश का इम्तिहान क़यामत के दिन उसे। अच्छा, आप लोग जो अल्लाह तबारक व ताला के शुक्रगुजार बंदे बनना चाहते हैं, आप जो दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे, आपके हाथों से जबान से आपके बदन से कितने पड़ोसी आपको तकलीफ़ हो रही, तुम्हारे गली महल्ले वाले तुम्हारे से खुश हैं या नाराज़ हैं, उसका तो भी अंदाज़ा करें। ला यूमिनु अहदुकुम, अल्लाह के नबी कहते हैं वह आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोस उसकी शरारत से महफूज ना हो, उसका पड़ोस उसकी शरारत से महफूज ना हो। तुम्हारे पड़ोस तुम्हारी शरारत से महफूज है ही नहीं है, अंदाजा लगाए। जर्रा क्या तो भी हुआ तो रिश्तेदारों से बात छोड़ डालते, जमात में कौन तो भी जर्रा बात करे उससे बातचीत बंद। साले भवनी में क्या बातचीत हुई, साले से रिश्ता कट। साड़ुआ साड़ुआ में क्या तो लेवा देवी में कमी पेशी हुआ, साड़ुआ साड़ुआ का कट। सग्गा भाई सग्गा बड़ा भाई इन्हें छोटा भाई, कब की पैसे लिया था कहते टाइम पर नहीं दिया, खूब बात करके पैसा काट लिया था उस दिन से कट। क्या कि बच्चे के बारे में देवरानी जठानी क्या कि बात बहस कर लिया कहते बातचीत बंद। कई के मुसलमाना जी हमें अल्लाह के नबी फरमाते तीन किस्म के मोमिन ऐसे हैं जिनकी इबादत उनके सरों के एक बिलिश्त ऊपर भी नहीं जाती। आसमान में जाना तो दूर की बात, तुम्हारे सर के एक बिलिश्त ऊपर नहीं जाती। तुम्हारी दुआ तुम्हारी नमाज तुम्हारा रोजा तुम्हारा हज तुम्हारी जकात तुम्हारी इबादत तुम्हारी सारी कुर्बानियां सिर के एक बिलिश्त ऊपर नहीं जाती। वो कौन है तीन, उसमें का एक एक मुसलमान से बगैर दूसरा मुसलमान बगैर किसी उजर के तीन दिन से ज्यादा बातान छोड़ने वाला, बातचीत बंद। हमारी जर्रा क्या तो भी कमी पेशी आई बातचीत बंद, जरूरत नहीं चल रही। ये बेटा मुझे सलाम नहीं करता, मैं क्या उसे सलाम करना, अकड़ ले फिरने वाले हमें खाली। अल्लाह ताला नामा अमाल पीठ के पीछे से देता बाज़ लोगों को सामने से सीधे हाथ में देता, सीधे हाथ में। वअम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनिह, जिसका नाम अमाल सामने से दिया गया, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, उसका हिसाब आसान लिया जाएगा। वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब वो लोग खड़ेंगे। तुम क्या मालूम, तुमको क्या जानो वो दाएं जानिब वाले कौन होंगे। सूरह क़यामा अल्लाह ताला सूरह वाकिया में अल्लाह बोलते वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन वअस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल, बाएं जाने वाले तुम्हें क्या मालूम कि वो बाएं जाने वाले कौन होंगे। पीठ के पीछे से लेफ्ट हाथ में अल्लाह बाएं नाम अमाल थमा देता। वअम्मा मन उतिया किताबहु बिशिमाली, जिसका नाम अमाल उसके पीठ के पीछे से दिया गया, वरा अज़हरिही, उसके पीठ के पीछे से थमा दिया गया। यदऊ सुबूरा, मौत को चिल्ला कर पुकारेगा, अरे मौत आजा मुझे गले लगा ले, मैं मरना चाहता हूँ जहन्नम में जाना नहीं चाहता। उसे क़यामत के दिन कोई मौत भी नहीं आएगी। हलक अन्नी सुल्तानिया मा अगना अन्नी मालिया,
वो कहेगा मैं दुनिया में कितना बड़ा एमएलए था ना रे, गली का काउंसलर था, जमात का अमीर था, मैं बड़ा सीएम पीएम था, मेरा अहदा मेरे काम नहीं आया, मेरी दौलत मेरे काम नहीं आई, हलक अन्नी सुल्तानिया मा अग्न अन्नी मालिया, मेरे माल ने मुझे नहीं बचाया, हाय हाय बर्बाद चीख बमड़ा मार ले बैठ जाता हाँ। इसीलिए जब तक दुनिया में जी रही जाक माफी मांग लो जी, इनका उनका दिल तोड़ो न को जी। अब आप सोचेंगे मैं कैसा माफी मांगना मौल साहब, मैं बड़ा आदमी मौल साहब। अरे क्या था बड़ा रे तू, अल्लाह की कुदरत के सामने राई के दाने की भी हैसियत नहीं तेरे पास, अल्लाह की कुदरत के सामने राई के दाने की हैसियत नहीं। इंसानों में सबसे बड़ा दर्जा किसका भाई, नबियों का पैगंबरों का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हमदलिल्लाह अलहम्दुलिल्लाहि हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी इलाही लकल हमदु या ज़ल जलाल वल इकराम व या ज़िल इज्जतिल लती ला तुराम والصلاة والسلام على من لا نبي بعد السلام فأنك السلام ومنك السلام وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زيننا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیو، آج 7 اکتوبر 2022 بروز جمعہ وجے واڑا جو آندھرا پردیش کا एक बड़ा शहर है, कैपिटल सिटी है, इस विजयवाड़ा की सनत नगर की अहले हदीस मस्जिद में बाद नमाज मगरिब ता इशा चलने वाले इस प्रोग्राम में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई ज़िला बलहारी कर्नाटक आपके सामने। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने बैठा हूँ। मेरे भाइयों, इस दुनिया में जीने वालों में बहुत किस्म के लोग हैं, बहुत सारी मखलूक हैं, उसमें अशरफुल मखलूक हम इंसानों को अल्लाह ताला बनाया है। अशरफुल मखलूक फरिश्तों से भी बड़ा दर्जा हमारा। फरिश्ते कौन? नूर से पैदा किए गए, वो अल्लाह का नूर नहीं, एक अलग नूर से पैदा किए गए फरिश्ते, जिनको ना खाने की ज़रूरत है, जिनको ना पेशाब की ज़रूरत है, ना पाखाने की ज़रूरत है, ना बीवी की ज़रूरत है, ना बच्चे उनके हैं। जब से अल्लाह उनको बनाया, अल्लाह के हमद व सना बयान करते आसमान में बैठे, 7 आसमान भरे पड़े हैं अल्लाह के फरिश्तों से। एक इंसान के पैर रखने की जगह भी बाकी नहीं, उतने फरिश्ते हैं अल्लाह के। वो तमाम फरिश्ते हमेशा साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन, दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट, मिनट के 60 सेकंड, हर हमेशा, हर लम्हा, हर पल अल्लाह की हमदो सना बयान करती हूँ। उन फरिश्तों से भी बड़ा दर्जा हमारा, हम इंसानों का। कैसे इंसाना हमें? ढंग से नमाज नहीं पढ़ रहे, अल्लाह का खा को किसी और के गुनगाने वाले, जिक्र कम करती, तिलावत कम करती,
गाने गालियाँ गिल्ले चाड़ियाँ चुगलियाँ ज़्यादा करती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सारी नेमतों से इस्तेफादा करने के बावजूद अल्लाह ताला का ना शुक्रापन करने वाले, फरिश्तों से भी बड़ा दर्जा हमारा। मेरे भाइयों, इंसान को सबसे पहले शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। अल्लाह को वो बंदे ज़्यादा महबूब हैं जो उसके शुक्रगुजार बंदे बनते हैं। सूरह इब्राहिम की 7 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। मेरा शुक्रिया अदा करेंगा मैं मज़ीद तुझे अता करूँगा, मेरी नाफरमानी करेंगा सख्त अजाब में मुबतला कर दूँगा। शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए हमको। अल्लाह की कितने बड़ी फजल है, एहसान है, अंदाज़ा है हम ना। कब तो भी बीमार हो को आईसीयू में भर्ती हो जाते, ज़रा टेका छोड़ो जी, आओ सामने आओ, कमर टूट ले गई क्या नौजवान है, उठाओ उनको, नींद करने के वास्ते घर है बा या मस्जिद नम में, आओ सामने आओ, शैतान थपक को सुलाता, अच्छे बात सुनना को सो जा बेटे। एक बुजुर्ग लगा बैठे दे कहीं वत्ता दूर कहीं बैठे साहब तुम्हें क्या जमात वाले फीचर डाल डाली या तुमने, आओ सामने आओ, आओ सामने आओ जी, तुम्हें भी कहीं हंस ले बैठे ना जी, आओ सामने आओ यहाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार बंदे बनने के लिए हर हमेशा उसकी नेमतों की कदर करना। घर बैठे अल्लाह हमने इसी नेमतां खिला रहा, अमेरिका में पैदा होने वाला, ऑस्ट्रेलिया में पिकने वाला, हांगकांग में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में पिकने वाला फ्रूट एप्पल घर बैठे अल्लाह हमने मार्केट में दिला रहा, घर में खिला रहा। अंदाज़ा लगाई वो कहाँ पिक रहा, बड़े बड़े जहाज़ कंटेनर के जरिए समंदरों का सफ़र करते हुए इंडिया को आ रहा, फिर वहाँ के समंदरों के बड़े बड़े बंदरगाह से मार्केटों को पूरा ट्रांसफ़र हो रहा, मार्केट में बिक रहा, हमें जा रही आराम से खरीद रही घर बैठे खा रही। सऊदी में पिकने वाला खजूर, अरब कंट्री में, दुनिया के यमन कंट्री में, ओमान में पिकने वाला खजूर हमारे मार्केट में मिल रहा, आराम से लाख खा रही। ये पिक्या कहाँ, ये आ रहा कैसा, इसे हमें लिए कैसा, उसके पीछे की कहानी कब तो मालूम तुम ना। हमारी बाड़ी को ले लो, बाड़ी को कितनी नेमतें हैं हमारी बाड़ी में। अब यहाँ बैठे सो मजलिस में मैं कर्नाटक की उर्दू बोलती हूँ, हमारी बल्लारी के डब्बा उर्दू बोल, समझ में आ रही बात है मेरे, इसे मोटी उर्दू बोलती हैं, क्लीन उर्दू का तो पूरे सिर के ऊपर से उड़क जाती, वो क्लीन उर्दू भी बयान करती हूँ मैं, लेकिन हमारे इलाके में कर्नाटक आंध्रा में ये मोटी उर्दू में बयान करता हूँ, समझ में आ रही क्या भाई बात है मेरे। अच्छी बात, अल्लाह ताला हमना जो नेमतें दिया, हमारी बाड़ी की नेमत ले लो, हमारी बाड़ी में यहाँ मजलिस में बैठी ना हमारे बुजुर्गों की उम्र 60 साल, 55 साल, 70 साल, क्या साहब 50 पर 6 साल, 50 पर 8 साल, 70 पर 2 साल, और हमारे ये नौजवाना 55 साल, 40 साल, 35 साल। एक इंसान अपने 70 साल जिंदगी में 60 साल तक उसके किडनियाँ, एक किडनी की मिसाल दे रहा हूँ मैं, इतना परफेक्ट काम करते रहती 60 साल तक उन्हें नमाजा पढ़ पढ़ को जो दुआएं करता, एक बार भी अपनी किडनी का जिक्र नमा दुआ में नहीं करता, याद भी करता नहीं किडनी को, कहीं को परफेक्ट काम कर रही हूँ किडनियाँ, परफेक्ट काम कर रही, कब तो भी चार्जिंग को बटन को साथ लगाए थे किडनियाँ को, नहीं ना कोसा चार्जिंग बटन लगाई नहीं, बराबर किडनियाँ काम कर रही। ए नहीं भाई, वो किडनी फिल्टर कर 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 को कचरा भर गया कहते, निकाल को धो को फिर क्लीन कर, कब तो भी फिट करे तुम्हारी बॉडी में, एक बार तो किडनी को धोए, हमारी बॉडी के पूरी पानी को फिल्टर कर को पेशाब के जरिए निकालता उन्हें, हमारे बॉडी में क्या कचरा पियेंदे, जूस पियेंदे का फिल्टर नहीं हुए सो पानी पियेंदे, कोसा कैसा भी खांदे कैसा भी पियेंदे, हमारी बॉडी के पानी को फिल्टर कर को छान को निकाल को तहारत में निकालता हूँ। अच्छा छान 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 को कचरा वल्लाक जमा हुआ कहते, किडनी को धो को फिट करना कब तो करे, नहीं इतने साल से 50 साल से उसके किडनियाँ बगैर फिल्ट्रेशन के,
बगैर चार्जिंग के बराबर अल्लाह की कुदरत से ऐसा काम कर रही हैं जिसका अंदाजा भी हमने नहीं। अच्छा, 50 साल के बाद अचानक किडनी में स्टोन पैदा होता, दर्द पैदा होता, ऐसा वैसा दर्द नहीं, मच्छी तड़पे सका तड़पता होने किडनी का दर्द, यानी तो किडनी फेल। अब जैसे ही किडनी में खराबी आती 50 साल के बाद, उसके बाद के दुआया में, 50 साल के बाद के दुआया इसके हर दुआ में किडनी का जिक्र करता, अल्लाह मेरी किडनी को बचा ले, अल्लाह मेरी किडनी की हिफाजत कर, अल्लाह मेरी किडनी के स्टोन को दूर कर डाल, अल्लाह हर दुआ में किडनी 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 किडनी। कई 50 साल में एक बार भी याद ही नहीं क्या किडनी, कई का तो अच्छी थी ना, याद ही नहीं। अब खराबी पैदा हुई तब किडनी याद आती, इसे अच्छी रिस्टम को कई को याद ही नहीं। भाई तुम ना आज भी बोलो, दुआ करके बोलो ना, या अल्लाह वो बेचारे की किडनियाँ फेल हो गई, डायलिसिस करा ले मर रहा होने, जिंदगी मौत की कश्मकश में तड़प रहा, डायलिसिस करा ले अल्लाह मेरी किडनियाँ सलामत रखा ना अल्लाह, तू मैं कितना शुक्रिया अदा करूँ अल्लाह तेरा, ऐसा बोलो ना, क्या घंटा जाता हमारा, अल्लाह खुश होता, मेरा बंदा मेरा शुक्रिया अदा कर रहा, देख कब तो करे हमें। एक छोटी मिसाल मैं दे रहा हूँ सो तुम ना, ऐसे किडनी अपना काम, तिल्ली अपना काम, गुर्दे फेफड़े लंग्स अपना काम, कलीजा अपना काम, ये बॉडी के सारे पार्ट्स, एक एक बॉडी के जो पार्ट्स है ना, एक एक हजार नहीं करोड़ों की नेमत है, वो करोड़ों की नेमत, अनगिनत नेमत। फेफड़े अपना काम ही करते, अभी कोरोना आ को गया, कहते कि जने के फेफड़े लंग्स खराब हो गए, फेफड़े में कोरोना फैल गया, सांस लेना मुश्किल, अब सांस नहीं ले सक रहा, सिलेंडर खाली हो गए, एक एक बेड लाखों का ब्लैक में बेड बेचे, हमारे बाबा की जान बचाने, मुझे बेड होना च, ऑक्सीजन होना च, सिलेंडर ऑक्सीजन का होना च, लाखों जिंदगी भर कमा को रखे सो सही टाइम बेच डाले, कांगा की दौलत ले ले काको, जान बचाने को से ऑक्सीजन का सिलेंडर, एक दिन में 15 लीटर ऑक्सीजन होना उसे, वो ऑक्सीजन को 5 लाख रुपए रख रहा हूं 15 लीटर ऑक्सीजन को। आज हमना बगैर सिलेंडर के फ्री में अल्लाह ऑक्सीजन दे रहा, कितने लीटर ऑक्सीजन डेली हमें ले रही, कब तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, कब तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। जैसे आईसीयू में जाको भर्ती हो को मुंह पो वो ऑक्सीजन का मास्क लगा ले को लेते रहती, पैसे दे देखो तब खदर होती, तब मालूम होता फ्री का ऑक्सीजन क्या वैल्यू रखती, फ्री में ले रही ना जी हमें, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत जी हम ना। और अल्लाह ये दुनिया को जो पैदा किया हमारे फायदे के वास्ते, ये पूरे दरख्ता ऑक्सीजन छोड़ती, कार्बन डाइऑक्साइड खींचती, हमें सांस लेते स्टंप ऑक्सीजन लेती, सांस छोड़ते स्टंप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती, हमें जो छोड़ती दरख्ता वो लेती, दरख्तों की वो गिजा, दरख्ता जो छोड़ती वो हमारी गिजा, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, कब तो कदर करे इसकी, शुक्रिया अदा करना जी, एक एक नेमत को याद करके शुक्रिया अदा करना। जब तक काना सलामत है तुम ना इसकी कदर मालूम नहीं होती, जब पुकारने वाला पुकार 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 को इशारे में बात करता, देखो खाना खाए क्या, पानी पिए क्या, सोए क्या, चले जा रही क्या, अरे इसकी ये कह रहे बा मुझे बहरा हो गया, इन्हें बोल रहा सुने चार आनी, हल्लू काना में मशीन लगा लेता, तब मालूम होती कान की कदर क्या आगने का। जब तक कान की कदर मालूम नहीं होती कहीं को, अब अच्छा सुनाई दे रहा ना, अब क्या वैल्यू है उसके कान की कदर की, हन क्या को दिख रहा, कल नहीं दिखता, धुंधला धुंधला दिखता, परसों तो वो भी नहीं दिखता, पूरा उजला पर्दा आ जाता है, एक अंखी का ऑपरेशन और एक अंखी का ऑपरेशन और एक साल के बाद, वो डालिया तो भी चश्मा डालिया तो भी क्लीन नहीं दिखता, जब तक दिखता खदर नहीं, जब हंकिया मंदले हो जाती तब हंकिया खदर मालूम होती। ओहो इसे बोलते हैं क्या हंकिया, इतनी बड़ी नेमत क्या हंकिया की दाता, आज अल्लाह सलामत रखा, क्या अखरोट दे दे, अखरोट तो नरम रहता, बादाम दे दे दाता पर खट खत कतर खाती तुम्हें समा, एक खजूर नरम खजूर भी तुम्हारे मुंह से चबाने नहीं आता, पूरे दाता झड़ले चले आती, मुंह बच्चा उठले चले आता, तब दाता की खदर क्या, यहाँ कूट कूट को खाना पड़ता तुम ना, एक खबाब हमारी जोरू तली तो भी तवे में वो खबाब चापने की ताकत नहीं रहती, कूट कूट को देना हजरत को, बुकनी कर को देना
पाउडर बना के देना, तब मालूम होती है दाँतों की खदर। हाँ, रात को दांत में दर्द आको, तिड़काम तिड़काम पैदा होकर रात भर नींद जाती, तब मालूम होती है दाँतों की खदर। एक एक नेमत को याद करो जी। हमारे बॉडी में ये जो चमड़ा है ना, चमड़ा, ये चमड़ा स्किन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, इस स्किन में, इस चमड़े में कई एक सेल्स रखे अल्लाह, इसे बॉडी सेल्स बोलते हैं। बॉडी सेल्स, बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो एक अजीब किस्म की एनर्जी रखे अल्लाह, एनर्जी, बॉडी ह्यूमैनिटी बोलते हैं। हमें जो गिजा खाती, इस गिजा से हमारे बॉडी के वो सेल्स, वो ह्यूमैनिटी स्ट्रांग होते। हमें पीने वाले मशरूबात, हमें पीने वाले जूस, दूध, गोश्त, चावल, इन तमाम में प्रोटीन अल्लाह रखा। ये प्रोटीनों से ये सेल्स को ताकत मिलती है, और ये सेल्स, बॉडी के सेल्स, बीमारी को अटैक होने नहीं देते। बीमारी को लड़को, उसे बाहर भगा डाल। तुम्हें कान, तुम्हें धक्का खा को गिर जाओ, खून जमा हो जाता, गंदा खून। वो गंदे खून को हमारे बॉडी के सेल्स अंदर नहीं टिकाते, उसे सुराख करको, क्या तुम्हें एक फोड़ा की शक्ल में उसे बाहर निकाल डाल, क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स होते स्ट्रांग रहते। हमें क्या तो भी मेहनत करे, हमारे बॉडी से पूरा पसीना निकलता, क्यों? हमारे बदन में अल्लाह हजारों लाखों करोड़ों बारीक सुराखा रखा। जो हमारे बाल रेशे हैं ना, बाल, वो बाल के नीचे सुराखा है, वो सुराखा में अल्लाह ताला एक रेशे रखा, वो रेशों से पसीना निकलता। वो रेशे भी कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत मालूम तुम ना, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत। और आज तुम्हें महफिल में है, तुम ना लेटरिन का आ रहा, तुम ना टॉयलेट को आ रहा, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं करते, तुम्हारे बॉडी में ऐसा अल्लाह ताला वाल फिटिंग कर डाला, वो कहाँ झाको करना वहाँ करता उन्हें। अब लेटरिन आया, बहुत पेट भर को खाया, यहाँ छगले करना नहीं हकता उन्हें, उसे अल्लाह ताला एक ऐसा वाल फिट कर डाला, उन्हें नहीं, उन्हें यहाँ नहीं कर लेता। एक उम्र पार होने के बाद उसका वाल फेल हो जाता, उसके बॉडी में लेटरिन का वाल, टॉयलेट का वाल, वो जो नल का सिस्टम है, कहाँ उसे रोक को रखना, कहाँ कंट्रोल करना, कहाँ ब्रेक मारना, वो ब्रेक फेल हो जाता। अनलिमिटेड उसके हवा खारिज होना शुरू होती, बिस्तर में उसका पाखाना निकलना शुरू होता, टॉयलेट खतरे खतरे जाते रहते, ब्रेक फेल हो जाता। वो ब्रेक जो अल्लाह ताला आज तुम्हारे बॉडी में दिया, वो कितनी बड़ी नेमत मालूम, बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह की एक एक नेमत की कदर करना जी, हमें बहुत बड़ी नेमत जी अल्लाह की। हमेशा सुबह शाम के अस्कार पढ़ो, बस तुम्हारा दिल शुक्रगुजार बन जाता। शुक्रगुजार दिल बनाने के लिए सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करो। सुभान अल्लाह व बिहम्दी अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमाती, अल्लाह की हमदो सना। सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई, किबरियाई, बुजुर्गी, उसकी शान, उसकी शौकत। दुनिया के हर दरख्त, हर पत्थर, हर पहाड़, हर मिट्टी, हर तूदे, हर फूल, हर पौधे, हर चूंटी, हर कीड़े, हर मकोड़े, हर परिंदे, हर मछलियाँ, समंदर में तैरने वाली करोड़ों मखलूक, आसमान में उड़ने वाले हजारों किस्म के मखलूक, ज़मीन में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, करोड़ों की मखलूक, हमेशा उस अल्लाह की कुदरत से डरते हैं, उसकी हमदो सना बयान करते हैं। हमें इंसाना जो सारे मखलूक में सबसे अशरफ हो को, बड़े नाफरमाना हमें, बड़े ना शुक्रे हमें, इन सारे मखलूकों से बड़ा दर्जा अल्लाह दिया, कहीं का कर लीजिए हमें। अल्लाह का खा को वो बाबा दिया के दी, अल्लाह की ज़मीन पर चल को हमारे खाजा, हमारे पीरा के मेहरबानी से हमें जिंदा ही के दी। हाँ, अल्लाह ताला खिला रहा, अल्लाह पिला रहा, सब भी छोड़ को, भर दे झोली या मोहम्मद, आया हूँ तेरे दर पे सवाली, ऐसे खवालियाँ गाती हमें। हाँ, देखो अल्लाह ताला एक इंसान को एक हत्ता का ढील देता, उसके बाद उसकी नाथी पकड़ लिया, अल्लाह की कुदरत से कौन भी नहीं छुड़ा सकता। आज हमें आजमाइश के तौर पर जी रही। अच्छा, आप लोग जो अल्लाह तबारक व ताला के शुक्रगुजार बंदे बनना चाहते हैं, आप जो दुनिया में ज़िंदगी गुजार रही, आपके हाथों से, ज़बान से, आपके बदन से, कितने पड़ों से आपको तकलीफ़ हो रही, तुम्हारे गली महल्ले वाले तुम्हारे से खुश हैं या नाराज़ हैं, उसका तो भी अंदाज़ा करें। ला युमिनु अहदुकुम, अल्लाह के नबी कहते हैं वह आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोस उसकी शरारत से महफूज ना हो, उसका पड़ोस उसकी शरारत से महफूज ना हो। तुम्हारे पड़ोस तुम्हारी शरारत से महफूज है ही नहीं है, अंदाजा लगाए। जर्रा क्या तो भी हुआ तो रिश्तेदारों से बात छोड़ डाल, जमात में कौन तो भी जर्रा बात करे उससे बातचीत बंद, साले भवनी में क्या बातचीत हुई, साले से रिश्ता कट,
साढ़वा साढ़वा में क्या तो लेवा देवी में कमी पेशी हुआ, साढ़वा साढ़वा का कट सग्गा भाई, सग्गा बड़ा भाई, इन्हें छोटा भाई, कब की पैसे लिया था, कहते टाइम पर नहीं दिया, खूब बातें करके पैसा काट लिया था, उस दिन से कट। क्या कि बच्चे के बारे में देवरानी जठानी क्या कि बात बहस कर लिया, कहते बातचीत बंद। कई के मुसलमाना जी हमें अल्लाह के नबी फरमाते तीन किस्म के मोमिन ऐसे हैं जिनकी इबादत उनके सरों के एक बिलिश्त ऊपर भी नहीं जाती। आसमान में जाना तो दूर की बात, तुम्हारे सर के एक बिलिश्त ऊपर नहीं जाती। तुम्हारी दुआ, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारा हज, तुम्हारी जकात, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी सारी कुर्बानियां सिर के एक बिलिश्त ऊपर नहीं जाती। वो कौन है तीन? उसमें का एक एक मुसलमान से बगैर, दूसरा मुसलमान बगैर किसी उजर के तीन दिन से ज्यादा बातान छोड़ने वाला। बातचीत बंद हमारी, जर्रा क्या भी कमी पेशी आई, बातचीत बंद, जरूरत नहीं चल रही। ये बेटा मुझे सलाम नहीं करता, मैं क्या उसे सलाम करना, अकड़ लेक फिरने वाले हमें, खाली इंट लेक फिरने वाले। अरे आई क्या इंटिंगा भाई, तू क्या अकड़ेंगा भाई, तेरा अकड़ना दुनिया में रह जाता, यत्ता सोच तेरा इबादत अल्लाह के पास नहीं कबूल है, काबिल कबूल नहीं हो रही। अल्लाह के नबी कहते हैं हर पीर और जुमेरात को बंदों के नाम आमाल अल्लाह के दरबार में पहुंचाए जाते हैं, अल्लाह हर एक की मगफिरत करता है, उन दो मुसलमानों की मगफिरत नहीं करता जो आपस में बातचीत खतः ताल्लुक किए हैं। जब तक वो सुलह नहीं कर लेते, बातचीत नहीं करते, अल्लाह उन दोनों को नहीं मिलाता, अल्लाह उन दोनों की मगफिरत नहीं करता। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा हमारे मेरे भाइयों, इसीलिए कहता हूँ कामिल मोमिन होकर ज़िंदगी गुजारो, और तुम्हारे हाथों से तुम्हारी जबान से किसी को तकलीफ नहीं होना, किसी के दिल की बद्दुआ नहीं लेना, सता को जान खा को मेरा चलता का तो नहीं चला लेना, मेरा सुना रे मैच रे ऐंट ले को चला लेना नहीं। कहीं को तुम्हें कमाने वाले घर में तुम्हारा पावर ज्यादा ताकतवर तुम्हें बड़े आदमी हाँ कतबल को ज्यादा चला लेती हैं, खास कर इन्हें बेटा बड़ा होने के बाद अम्मा बाबा को परी चला लेता, माँ बाप की कदर नहीं। कल परसों मिले साले सास ससुरियां को यहाँ बिठा था सिर का ताज बना, पैदा कर को बड़ा करे साले माँ बाप को कचरे की तोट्टी में लजक सड़ता, कैसा इंसान बा तू, कैसा इंसान रे तू। अल्लाह के नबी कहते रिजर रब्बी फी रिजल वालिदैन व सख्तर रब्बी फी सख्तल वालिदैन, अर्श वाला मेरा मालिक उस वक्त तुमसे खुश होगा जब फर्श वाले माँ बाप तेरे से खुश रहेंगे, फर्श वाले माँ बाप नाराज तो अर्श वाला मेरा मालिक भी तेरे से नाराज। पहले माँ बाप को खुश कर रहे दीवाने, कल परसों मिले सो सास ससुरियां यहाँ बिठा लेता क्या? अरे बिठा ले सास ससुरियां की इज्जत कर, इसका मतलब ये नहीं अम्मा बाबा को निकाल को सट को सास ससुरियां यहाँ, जर्रा क्या थी भी तिड़क हुआ बातचीत बंद, रिश्तेदारी कट। अल्लाह के नबी कहते हर इंसान हर जिन्नात हर मोमिन हर काफिर हर यहूदी हर नसरानी तमाम लोगों को एक ऐसे पुल से गुजरना होगा जिस पुल के ऊपर अल्लाह ताला जहन्नम के ऊपर रखा है बाल से ज्यादा बारीक तलवार के धार से ज्यादा तेज, उस पुल का नाम पुल सिरात। पुल सिरात पर हर माई के लाल को गुजरना, हम ना भी गुजरना, तुम ना भी गुजरना, हमारे अम्मा बाबा को भी गुजरना, हमारे आने वाले बच्चों को भी गुजरना, इंसानों को भी गुजरना, जिन्नातों को भी गुजरना, मोमिन रहे तो भी गुजरना, काफिर रहे तो भी गुजरना, जन्नत में जाने वाले भी गुजरना, जहन्नम में लटकले को कटकट को गिरने वाले भी गुजरना। पुल सिरात पर एक को भी छुटकारा नहीं, हर आदमी पुल सिरात पर गुजरना। अल्लाह के नबी कहते पुल सिरात पर गुजरने वालों के दाएं बाएं दो चीजों को अल्लाह खड़ा कर देगा, एक जानिब रिश्तेदारी खड़ी हो जाएगी, दूसरी जानिब अमानतदारी खड़ी हो जाएगी। दुनिया में पैसा में घपला करे वाले, मस्जिद के चंदा ले ले को खाए वाले, मदरसे के नाम पर लूट लूट को बिल्डिंगा बना लिए वाले, यतीमा के नाम पर अंजुमन के नाम पर वो फंड ये तंजीम वो तंजीम ये दावा सेंटर लूट लूट को कारा में फिरने वाले, अमानत में खयानत करने वाले और रिश्तेदारियां काटने वाले, मियां बीवी का रिश्ता अच्छा नहीं, भाई भाई से रिश्ता अच्छा नहीं, भान भाई का रिश्ता अच्छा नहीं, अम्मा बाबा से रिश्ता अच्छा नहीं, रिश्तेदारियां काटने वाले, एक तरफ रिश्तेदारी खड़ जाती, एक तरफ अमानतदारी खड़ जाती। जो जत्ता अमानत में पक्का रहता
जो जत्ता रिश्तेदारियां निभाने वाला रहता, ये रिश्तेदारी, ये अमानतदारी उसे सहारा देकर पुल सिरात पार करा डालती। अगर उन्हें अमानतदारी में अनकम्प्लीट है, अगर उन्हें रिश्तेदारियां निभाने में अनकम्प्लीट है, ये रिश्तेदारी, ये अमानतदारी उसे ऐसा पकड़ को जकड़ डालती, ना उन्हें पुल सिरात पार कर सकता, ना उन्हें पुल सिरात से गुजर सकता। और जो गुजरता उन्हें जन्नत में जाता, जो नहीं गुजरता उन्हें कट को जहन्नम में गिर जाता। पुल सिरात एक बड़ी आजमाइश का इम्तिहान, क़यामत के दिन उसे पार करना बोले तो अमानतदारी परफेक्ट रहना, रिश्तेदारी परफेक्ट रहना। अच्छा, आज तक तुम्हें तुम्हारी जोर पकड़क मारें की, अम्मा को गालियां दी की, सास ससुरियां के साथ लड़ लें की, तुम्हारे बड़े भाई को क्या बुरा भला बोलें की, तुम्हारे कितने रिश्तेदारी को तुम्हें हार कर लें की, मालूम नहीं। आज के बाद माफी मंगले को, सलामांकर को, उनकी रिश्तेदारी को जोड़ लो, उनके साथ नाता बना लो। तुम्हारी मौत आने से पहले अल्लाह ऑफर दिया, अकड़ ले अकड़ ले अकड़ ले गए तो क्या भी नहीं आता, मुर्दे के लग जा मट्टी में डालते हैं, बहुत अकड़ास वाला कर लग जा, काम भी उसे सड़ते नहीं, मुर्दे को मर इसमें सड़ते। खबर में जाने से पहले माफ़ी मांग लो जी, जिन जिन से तुम्हें दिल दुखाई, जिनका हक मारी, जिनको गाली दी, जिनको नाहक तुम्हें मारी। अल्लाह के नबी बुखारी की रिवायत में बयान फरमाते, अतदरून अमल मुफलिस, क्या तुम जानते हो क़यामत के दिन का मुफलिस कौन है? नहीं अल्लाह के नबी, मालूम नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा, या अतून यौमल क़ियामत बिसलातिहिम व सदक़ातिहिम व ज़कातिहिम व तिलावतिहिम। क़यामत के दिन एक ऐसा आदमी को लाया लाएगा अल्लाह, नमाज का पहाड़ जैसी नेकियां, रोज़े के पहाड़ जितनी नेकियां, सदका खैरात की पहाड़ जितनी नेकियां, तिलावत कुरान की पहाड़ जितनी नेकियां। सारे लोग देख को सोचेंगे, काश इसकी जगह हमें रहती, कितना अच्छा होता। लेकिन उन्हें क्या करेंगा, जैसे आएंगा लोग पूछेंगे, या अल्लाह मेरा हक दिला, दुनिया में पैसे वापस दे दूंगा तो खर्जा ले को डुबा डाला, या अल्लाह मेरे पैसे दिला। क्या रे, पैसे खाया उसके? वह अकला माल हाजा व ज़रा बहाजा व कश्यत महाजा, किसी को मारा होगा, किसी को गाली दिया होगा, किसी का माल हड़प किया होगा। अल्लाह पूछता, दे बा पैसे दे उसके। वहाँ देने के वास्ते ना नोटा रहती, ना करंसी रहती, ना डाला ना रहती, ना सुन्ना रहता, ना चांदी रहती, क्या अभी भुट्टा रहता नहीं। या तो नेके अल्लाह उठा देता, नहीं तो उनके गुनाह लेख तुम्हारे सिर के ऊपर डालता। वह कितने पहाड़ा नेकियों के लाया था कि सब खाली। अब इसके सवाल, लोगों के जुल्म खत्म नहीं हुए रहते, अल्लाह क्या करता, उनके गुनाह लेख इसके सिर अल्लाह डाल। नेकियों के पहाड़ लाया था लेकिन अब गुनाहों के पहाड़ जमा हो गए, कई के वास्ते इनको उनको सता सता को जुल्म करने की वजह से, मारने की वजह से, पड़ोसियों से बुरा सलूक करने की वजह से। अल्लाह मुझे माफ कर अल्लाह, नेकियों के पहाड़ लाया था, बुराइयों के पहाड़ बन गए ना अल्लाह। अल्लाह बोलता, मेरे मामले में कमी पेशी करया रहता तो माफ करता था, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करके आया, मैं क्या अभी नहीं कर सकता। लोग माफ करे तो मैं माफ करता हूं, उन्होंने माफ नहीं कर रहे मैं भी माफ नहीं करता। जब तक सांस है तौबा कर को माफी मांगने का, तब तक तुम्हारे पास चांस है। सांस बाकी तो चांस बाकी, सांस रुक गई तुम्हारे नेकियां कर को, तौबा कर को, लोगों से माफी मांगने का चांस भी खत्म तुम्हारे पास। माफी मांग लो जी, जाको बोलो जी, है मैं कैसा माफी मांगना मल साहब, मैं बड़ा मालदार, मैं सैयदा खानदान का, मैं फटान। वो बेटा मेरे पास झुकें दे, उन्हें आंखों मेरे पास सलाम मारें दे, तब मैं क्या की बोलता हूँ, मैं कैसा झुकना। अरे ये डिग्निटी दुनिया की काम आती नहीं, क़यामत के दिन दुनिया की जो शान शौकत है, दुनिया का तुम्हारा ओहदा मनसब है, क़यामत में जेर के बराबर जर्रा भी काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला नाम आमाल पीठ के पीछे से देता बाज़ लोगों को, बस लोगों को सामने से सीधे हाथ में देता, सीधे हाथ में। वअम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनिह, जिसका नामे अमाल सामने से दिया गया,
فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, اس کا حساب آسان لیا جائے گا. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ, اللہ کے عرش کے دائیں جانب وہ لوگ کھڑیں گے. تم کیا معلوم, تم کو کیا جانو وہ دائیں جانب والے کون ہوں گے. سورہ قیامہ, سورہ قیامہ اللہ تعالی واقعہ, سورہ واقعہ میں اللہ بولتا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, بائیں جانے والے تمہیں کیا معلوم کہ وہ بائیں جانے والے کون ہوں گے. پیٹ کے پیچھے سے لیفٹ ہاتھ میں اللہ بائیں نام اعمال تھما دیتا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ, جس کا نام اعمال اس کے پیٹ کے پیچھے سے دیا گیا, وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اس کے پیٹ کے پیچھے سے تھما دیا گیا, یدعو سبورا, موت کو چلا کر پکارے گا, اے موت آ جا مجھے گلے لگا لے, میں مرنا چاہتا ہوں, جہنم میں جانا نہیں چاہتا. اسے قیامت کے دن کوئی موت بھی نہیں آئے گی. حلق عنی سلطانیا ما اغنا عنی مالیا, وہ کہے گا میں دنیا میں کتنا بڑا ایم ایل اے تھا نا رے, گلی کا کاؤنسلر تھا, جماعت کا امیر تھا, میں بڑا سی ایم پی ایم تھا, میرا عہدہ میرے کام نہیں آیا, میری دولت میرے کام نہیں آئی. حلق عنی سلطانیا ما اغنا عنی مالیا, میرے مال نے مجھے نہیں بچایا. ہائے ہائے برباد, چیخ بمڑا مار لے بیٹھ جاتا ہوں. اسی لیے جب تک دنیا میں جی رہی جاک معافی منگ لو جی, ان کے ان کا دل توڑو نو کو جی. اب آپ سوچیں گے میں کیسا معافی منگنا مول صاحب, میں بڑا آدمی مول صاحب. ارے کب تھا بڑا رے تو, اللہ کی قدرت کے سامنے رائی کے دانے کی بھی حیثیت نہیں تیرے پاس. اللہ کی قدرت کے سامنے رائی کے دانے کی حیثیت نہیں. انسانوں میں سب سے بڑا درجہ کس کا بھائی؟ نبیوں کا, پیغمبروں کا, رسولوں کا. رسولوں سے بڑا درجہ کیا ہمارا بولو؟ ہمیں ایک عام امتی, ہمیں گنہ گارا پاپی کر 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 کو پاپی پنڈ, ہمیں ایک نمبر کے گناہوں کے پتلے. انبیاء معصوم انیل خطا, ہر گناہوں سے پاک, ہر خطاؤں سے پاک. انبیاء سے بڑا درجہ کیا ہمارا؟ نہیں نا, انبیاء کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہماری. لیکن انبیاء میں ہمارے نبی کو دیکھو, خطبہ حجت الوداع کا موقع ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خسوہ نامی اونٹنی پر بیٹھے ہیں, 124,000 صحابہ کا مجمع عرفات کے میدان میں جمع ہے. اللہ کے نبی خطبہ حجت الوداع عرفات کے میدان میں دیتے ہیں, اور اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ادا کرتے ہیں, میرے امتیوں میں تمہارے درمیان اتنے سال تک جیا, اتنے سال تک زندگی گزارا, جانے انجانے میں میرے سے کوسی تو غلطی ہوئی رہے, تو میرے سے کسی کو تکلیف ہوئی رہے, تو اللہ کو اس سے معاف کرو. یہ محمد ابن عبداللہ, عبداللہ کا بیٹا محمد تم سے عفو و درگزر کا سوال کرتا ہے, مجھے معاف کر دو. اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو دنیا میں بدلہ لے لو, قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مجھے مت پکڑو. کون بول رہی ہے بات؟ کائنات کے پیغمبر رحمت للعالمین سید الثقلین خاتم النبیین ساقی کوثر شافی محشر, جو سارے انبیاء کے امام, انسانوں کے سید المرسلین, انسان و جناتوں کے سید المرسلین, اتنی بڑی بات بول رہی ہے, عام امتیوں کے سامنے معافی مانگ رہی, مجھے معاف کرو. اب اللہ کے نبی کا یہ سوال سن کو ایک صحابی اٹھ کر کھڑتی بولتی ہیں, اے اللہ کے نبی میں تم نہ معاف نہیں کرتا جی, مجھے ایک بار مار رہے تھے تمہیں, میں مار کس تم نہ بدلہ لیتا ہوں, میں معاف نہیں کرتا. بولے اللہ کے نبی کو مارنے کی بات صحابہ کے مجمع کے بیچ میں, اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب کو جلال آ گیا, عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے, بولے اللہ کے نبی کائنات کو معاف کرنے والے تمہیں, کیسے کیسے لوگا ستا کو پتھرا سے مار کو خون سے نہلائے تو بھی معاف کرے والے تمہیں رحمت للعالمین, تمہارے جیسے پیغمبر کو انہیں مارنے کی بات کر رہا, ایک نمبر کا منافق دکھ رہا انہیں, آپ اجازت دو عمر کی تلوار اس کی گردن کے اوپر سے دھڑ کو اس کی الگ کر دے گی, اس کے دھڑ سے اس کی گردن الگ کر دے گی. آپ ہاں کہو. اللہ کے نبی نے کہا خبردار عمر بن خطاب خاموش ہو جاؤ, اسے بلا میرے سامنے. عبداللہ ابن عتیق کو صحابی کا نام بلائے, کیا بھائی کیا تکلیف تھی تم نا, مجھے مارے تھے تمہیں,
मैं भी मारता हूँ तुमने। अच्छी बात, लाओ जी कोड़ा, लाओ जी कोड़ा, ला को दिए। अल्लाह के नबी बोले कोड़ा ले भाई, जो मैं मारा था मुझे तो याद नहीं कब मारा था, मार भाई मार को बदला ले ले। अल्लाह तेरा शुक्रिया अल्लाह, मेरे एक मजलूम भाई को दुनिया में जो मेरे से मुलाकात करा डाला, तेरा शुक्रिया अल्लाह, आ भाई मार ले। अल्लाह के नबी सामने गए, अरे अल्लाह के नबी इंसाफ कीजिए इंसाफ, आप इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन इंसाफ करेगा? क्या इंसाफ करना भाई, जब आप मुझे मारे थे मेरे बदन पर चादर नहीं थी, नंगे बदन पर मारे थे, आज आप चादर ओढ़ के खड़े हैं, इंसाफ का तकाजा ये है आप भी चादर निकालिए, मैं आपकी नंगी पीठ पे वैसे ही मारूंगा जैसे आपने मुझे मारा। हाय हाय अल्लाह अकबर। अब ये सुनते ही सहाबा की चीखा निकल गए रोते हुए, क्या जालिम रे इन्हें, नबी को कपड़ा हटाओ नंगी पीठ को मार तुम कराना। अल्लाह के नबी चादर हटा डाले, बोले ले भाई मार ले। एक कोड़ा भी खयामत के दिन के वास्ते उठा को रखना को, जत्ते मारा था वत्ता मार ले, ये सोच के मत मार के मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीठ पे मार रहा हूँ, बल्कि ये सोच के मार के मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पीठ पे मार रहा हूँ। जत्ते मारा तो साहे ज्यादा मार ले, एक भी कोड़ा खयामत के दिन के वास्ते उठा को रखना को, मार ले। झुक गए अल्लाह के नबी, कोड़ा हाथ में उठाए अब्दुल्ला इब्ने अतीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब हाथ कांपने लगे, हाथ से कोड़ा नीचे गिर गया, अल्लाह के नबी को लिपट गए, और जो गर्दन के नीचे पीठ में मोहरे नबुवत एक ऐसा उभरा हुआ चीज थी नबी के गर्दन में, पीठ पर ऊपर गर्दन के नीचे उसके ऊपर एक काला मच्चा था, उसे मोहरे नबुवत कहते हैं। वो लिपट गए और मोहरे नबुवत को चूमने लगे, बोसा देने लगे, प्यार करने लगे। अल्लाह के नबी हैरान, मुझे मारने का छोड़ को इन लिपट ले को प्यार कर रही ना, क्या जी ऐसा कर रही तुम्हें? अरे अल्लाह के नबी, मेरी जिंदगी में ये हदीस मैंने सुना था, जो ईमान के हालत में मोहरे नबुवत को देख ले अल्लाह उसे कभी जहन्नम में नहीं डालेगा। तब से मेरे दिल में ये तमन्ना बैठ गई कि मैं कैसे आपकी मोहरे नबुवत चूमूं। अहद के मैदान में सफा दुरुस्त कराने में आपकी छड़ी से आप मुझे पीछे ढक लेते, ऐसा छड़ी से मार को ढक लेते, वो मुझे तकलीफ हुआ, उस मार को मैं बहाना बनाया, मैं भी मार दूंगा, तो आपने मुझे कभी नहीं मारा, आपने मेरी नंगी पीठ पे नहीं मारे, मेरे माँ बाप फिदा काबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान है अल्लाह के नबी, बस आपकी मोहरे नबुवत चूमना चाहता था। अल्लाह के नबी बोले क्या तुम सच कह रहे हो? कसम मेरे अल्लाह की मैं सच कह रहा हूँ। अल्लाह के नबी बोले जा, मैं तेरे लिए दुआ कर तू, अल्लाह तेरे ऊपर जहन्नम की आग हराम कर दे। इस हदीस से हमने इबरत क्या मिली, क्या मिली? एक कायनात के पैगंबर जिनकी इज्जत सबसे बुलंद आसमानों से भी ऊंची, आम उम्मतियों के सामने माफी मंगले को खड़ी, जाने अनजाने में मेरे से तकलीफ हुई तो आपको बदला लेती कि माफ करती कि ये करी, हमें हमारे रिश्तेदार का निजाक माफी मांगे क्या बिगड़ता क्या हमारा, हमारा क्या घंटा बिगड़ता, हमारी क्या इज्जत जाती? अरे गई गई जी इज्जत तुम्हारी, माफी मांगो जाको, क्योंकि खयामत की जिल्लत सबसे बड़ी जिल्लत, याद रखना खयामत की इज्जत ही सबसे बड़ी इज्जत, खयामत की जिल्लत ही सबसे बड़ी जिल्लत। यहां दुनिया में शर्मिंदा होती हो जाओ, चार आदमियां गने होती मत, खयामत के दिन अल्लाह तुम्हारी पोल खोलिया तो चार आदमियां कहने हमें, पूरी दुनिया वालों के सामने तुम्हारी पोल खोलता अल्लाह, पूरी दुनिया वालों के सामने रुसवा होती तुम्हें। इसीलिए दुनिया में जाको माफी मांग लो और किसी को सताओ मत, मजलूम की बद्दुआ ले उनको, मजलूम का तो कौन जो तुम्हारे से कमजोर है, मरद बाना जोरू को मारता, बड़ा भाई छोटे भाई को मारता, एक महल्ले में जो बड़ा पहलवान किस्म का आदमी कमजोर आदमी को मारता, बद्दुआ ले उनको, अल्लाह के वास्ते बद्दुआ ले उनको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की रिवायत, माज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, ऐ माज़ तुम हाफिज़े कुरान हो, कुरान हदीस का इल्म तुम्हारे पास है,
वो अहले किताब है। सबसे पहले तौहीद की दावत देना, मान ले तो नमाज का हुक्म देना, मान ले तो रोजे के बारे में बताना, मान ले तो ज़कात के बारे में बताना। अगर कोई मसला जवाब देना हो तो कुरान से देना, कुरान में ना मिले तो हदीस से देना। अगर कुरान हदीस से ना मिले तो तुम क्या करोगे? मैं इश्तेहाद करूंगा। ठीक है, अल्लाह के नबी भेज रहे, जा रही हूं अभी दरबारे नबी से, नबी के घर से बाहर नहीं निकले। अल्लाह के नबी अचानक रोक लिए, या माज, ए माज रुक जाओ। बोलो अल्लाह के नबी क्या बात है? पलटे माज बिन जबल, बोलो अल्लाह के नबी क्या बात है? नबी अलैहिस्सलाम कहते वत्तखी दावत अल मज़लूम, ए माज मज़लूम की बद्दुआ से बचना, ए माज मज़लूम की बद्दुआ से बचना। फइन्नहु लैसा बैनल्लाहि व बैनहु लैसा हिजाब, इसलिए कि मज़लूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता। मतलब क्या? अब तुम्हें नमाज़ पढ़ को दुआएं करती, ये जो तुम्हें दुआ करती ना, तुम्हारी नमाज के सवाब को, तुम्हारी दुआ को अल्लाह के फरिश्ते लेको आसमान में उड़ती, अल्लाह के पास जाकर बोलती, या अल्लाह तेरा ये बंदा दुआ करया, या अल्लाह तेरा बंदा नमाज पढ़या। जब हम लोग इमाम के वाला ज़ालिम कहने पर आमीन जोर से बोलती ना, बुखारी की हदीस में अल्लाह के नबी क्या बोले? मनवासका कौलुहु खौल अल मलाइका, जिसका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन कहने से टकरा जाए, गुफिर लहु मा तकद्दम मिन ज़म्बी, अल्लाह उसके पिछले गुना माफ कर देता है। हमें आमीन बोलती, फरिश्ते भी आमीन बोलती। फरिश्ते कहाँ रहती? हमारे सफ़ों में, बीच में रहती, हमारे साथ ही खड़े रहती। उन्हों हमें भी आमीन बोलती, फरिश्ते भी आमीन बोलती, उनका आमीन हमारा आमीन, आवाज़ टकरा गई, अल्लाह हमारे पिछले गुना माफ़ करता। अब ये फरिश्ते खड़े से क्या करती? जैसे ही सलाम फिरती, हमारी नमाज के सवाब को आसमान में लेकर उड़ती। जैसे हम लोग दुआ करती, हमारी दुआ को लेकर आसमान में जाती अल्लाह के पास। लेकिन जब कोई मजलूम बद्दुआ करता, या अल्लाह इन्हें मुझे मार रहा, इसे गारत कर अल्लाह, इसे बर्बाद कर अल्लाह, मेरे पैसे छीन लिया अल्लाह, इसे हलाक कर, या अल्लाह मेरे बच्ची के इज्जत को लूट लिया अल्लाह, इसे गारत की गारत कर। जब कौन तो भी बद्दुआ करया, उसकी बद्दुआ को कोसा फरिश्ता भी हाथ लगाता नहीं, कोसा फरिश्ता लेको आसमान में चढ़ता नहीं, सात आसमानों को चीर को वो बद्दुआ ऑटोमेटिक अल्लाह के पास चले आती, ऑटोमेटिक चले आती। उसे कोसा फरिश्ता लेको जाने की जरूरत नहीं, अल्लाह वो कानून बना डाला बद्दुआ के वास्ते, बद्दुआ को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, आसमान चीर को अल्लाह के पास चले आती बद्दुआ। अल्लाह देखता सही करया गलत करया, बद्दुआ सही है गलत है? सही है, माँ बाप का दिल दुखाया, सास ससुरियां को यहां बिठा ले को, माँ बाप को धुतकारया, माँ बाप को निकाल को सटया, गंदे गंदे गालियां दिया, हाँ कल परसों ऐसो जोरू को यहां सिर पर चढ़ा ले बिठा को, सगे भाना को, दीदी को, आपा को, उसके खास भाना को निकाल को फेंक डाल्या, लुच्चे लुच्चे जोरू का सपोर्ट लेको भाना को बातें कर रहा। अच्छा सही बद्दुआ है, अल्लाह उसकी बद्दुआ कबूल कर लेता, उसे गारत कर डालता। सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला कौन इनो अशरा मुबशरा सहाबा में से एक, अशरा मुबशरा का तो कौन, 10 खुश नसीब सहाबा जिनको अल्लाह के नबी अर्श इलाही से जिब्राइल अमीन के जरिए अल्लाह की जानिब से जन्नत की बशारत जिनको सुनाए। अय अबू बकर, मेरा अल्लाह कहता है तू जन्नत में जाएगा। अय उमर, मेरा अल्लाह कहता है तू जन्नत में जाएगा। अय उस्मान, अय अली, मेरा अल्लाह कहता है तुम जन्नत में जाओगे। अय अब्दुल रहमान बिन औफ, तुम जन्नत में जाओगे। अय सईद बिन जैद, तुम जन्नत में जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सहाबा को जो जन्नत की बशारत सुनाए, उनमें के एक हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला, अशरा मुबशरा सहाबी, इनके दौर में मरवान बिन हकम के दौरे खिलाफत में, मुल्क शाम की बात है, एक औरत मरवान बिन हकम के पास ये मुकदमा दायर कर डाली, केस दायर करी कि ये जमीन मेरी, सईद बिन जैद कहते हैं वो मेरी नहीं, सईद बिन जैद की नहीं, वो जमीन मेरी,
ये जमीन पर सईद बिन जैद कब्जा कर ले बैठी है, मेरी जमीन ये। हाकिम कौन? मरवान बिन हकम, हाकिम गवर्नर, मुल्क शाम का गवर्नर। गवर्नर के पास केस बुकिंग कर डाली उर्वा नामी औरत, उसका नाम क्या? उर्वा, बुखारी की हदीस है, उर्वा, उर्वा नामी औरत, अशरा मुबशरा सहाबी, सईद बिन जैद के खिलाफ केस बुक कर डाली, ये जमीन मेरी। अब मरवान बिन हकम सहाबी रसूल को बुलाए, क्या भाई ये औरत बोल रही है जमीन उनकी गते, तुम्हें बोल रही तुम्हारी गते, क्या मामला? सईद बिन जैद एक हदीस रसूल सुनाए उनको, अरे मरवान सुन, मैं सहाबी रसूल हूँ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठा है बैठा है, मैं नबी की रिफाकत में बैठा हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने अपने कानों से सुनी है, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़, जो कोई आदमी किसी इंसान की जमीन को नाहक एक बालिश्त भी कब्जा करेगा, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ ज़ुल्मा, जुल्म करते हुए उस पर जुल्म जताते हुए नाहक एक बालिश्त जमीन, एक बिलिश्त जमीन अगर किसी के नाहक कब्जा कर ले, युतविकहु फी उनकी मिन सबी अर्जीन यौमल कियामा, कयामत के दिन सात जमीनों का हार बना कर अल्लाह उसके गले में डाल डालता। ये हदीस मैंने मेरे नबी के जबान से निकलते हुए अपने कानों से सुना है, भला मैं इतनी बड़ी हदीस सुनने के बाद मैं किसी के जमीन पर मैं कैसे नाहक कब्जा कर सकता हूँ? यह जमीन मेरी है, ये मेरी जमीन है, हदीस रसूल मैं सुनने के बाद किसी की जमीन को मैं मेरी जमीन कैसे कह सकता हूँ? ये मेरी खुद की जमीन है। मरवान बिन हकम हदीस रसूल सुनते ही डर गया और कहने लगा, ऐ सईद बिन जैद, आप सहाबी रसूल हो और मुझे पूरा भरोसा है आप बिल्कुल सच कह रहे हो, ये ज़मीन आपकी है, मैं फैसला करता हूँ ये आपकी ज़मीन है, आप ये ज़मीन के हवाले, आप इसे आराम से रखिए, ये उस औरत की ज़मीन नहीं है। फैसला हो गया। अब उर्वा औरत शर्मिंदा हो गई। सईद बिन जैद मजलिस में उठे, सारे लोग जमा हैं, सारे लोगों के बीच में रुस्वा कर डाली सईद बिन जैद सहाबी रसूल को उस ज़मीन के मामले में। हज़रत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिल में इतना तकलीफ हुई, वो उठे और पूरी भरी महफिल में उस उर्वा नामी औरत को उंगली दिखाकर बोले, इन कुंती हाज़िही काज़िबा, अगर ये औरत झूठी है जो झूठा मुकदमा मेरे ऊपर दायर की है, फकानत अमिया, अल्लाह इसे अंधी कर दे, वक़त्लुहु फी अर्ज़ी, और इस ज़मीन में अल्लाह इसे फितनों में मुब्तला करके इसका कत्ल कर दे। सईद बिन जैद तीन बद्दुआ करे उस उर्वा नामी औरत के वास्ते, झूठा केस दायर करको, तमाम लोगों के बीच में मुझे रुसवा करने देखी, शर्मिंदा जलील करने देखी, जबकि ये ज़मीन मेरी है, अय औरत अगर तू झूठी है तो अल्लाह ताला तुझे अंधी करके इस ज़मीन के फितनों में मुब्तला करके इस ज़मीन में कत्ल अल्लाह तुझे करा दे। ये बद्दुआ करे, अल्लाह ताला एक जन्नती सहाबी की बद्दुआ फौरन कबूल करके उर्वा को अंधी कर दिया। उर्वा की आंखें थी लेकिन उनकी बसारत चली गई, अंधी हो गई औरत उर्वा, और ज़मीन में ऐसे वैसे खड्डा में गिर गिर को, कभी हाथ टूटिया, कभी सिर फूटिया, कभी टांग टूटी, कभी पेशानी फूटी, जख्मी जख्मी होती थी, और ज़मीन में उन्हें मौत चाही तो भी अल्लाह उसे मौत नहीं देता, बुढ़ी होने तक जीवने, वतालत उम्रिही, अल्लाह इसकी लंबी उम्र कर दे, ज़मीन के फितने में मुब्तला कर दे, इसे अंधी कर दे। अंधी हो गई उर्वा, लोगों के सामने बोले बोले को रोती थी, हाय हाय मुझे सईद की बद्दुआ लग गई, मुझे सईद की बद्दुआ लग गई। उसे भी मालूम था मैं झूठा केस सईद बिन जैद को पर दायर करी तो अल्लाह वली छोड़ डालता ज़मीन, मैं पाले तुरे ज़मीन का, तो उसे भी मालूम था मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन एक अल्लाह वाले की बद्दुआ लगने से उर्वा अंधी हो गई।
और वो लोगों को बोलने फिरती थी, हाय हाय मुझे सईद की बद्दुआ लग गई, मुझे सईद की बद्दुआ। उस जमाने में सईद बिन जैद की बद्दुआ इतनी फेमस हो गई, लोगा कौन तो भी जुलुम करया तो अल्लाह से दुआ में क्या बोलते थे, या अल्लाह जैसे सईद बिन जैद की बद्दुआ से उरवा को तू अंधी करया, या अल्लाह मेरे ऊपर इन्हें जुलुम कर रहा तू इसे अंधा कर दे। सईद बिन जैद की बद्दुआ का हवाला देखो, लोग बद्दुआ करते थे, कई को तो हंकिया से देखे थे ना, इधर बद्दुआ करे उधर अल्लाह हंकिया छीन लिया, या अल्लाह जैसे उनकी बद्दुआ कबूल करया हमारी भी बद्दुआ कबूल कर, इन्हें मिंजे सतारा, इन्हें मेरी जमीन हड़प लिया, इन्हें मेरा कत्ल करने आ रहा। अल्लाह के वास्ते किसी के दिल को नक्को दुखाओ, किसी के बद्दुआ लेनों को अगर तुम्हारे जाने अनजाने में तकलीफ हुई रही, माफी मांग लो जाकर और उस इंसान से अपने मामलात की दुरुस्ती कर लो। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अपने ईमान को मजबूत रखो, अपने ईमान को इतना मजबूत रखो दुनिया की ताकत टस से मस नहीं करना तुम ना। आज हमें चार पैसे देखते ही ईमान बेच ले खा डालते, ईमान बेच डालते हमें चार पैसे के वास्ते। वोटिंग का जमाना आंदे, इलेक्शन का जमाना, हाँ उधर कांग्रेस पार्टी कहते, इधर बीजेपी पार्टी कहते, इधर वाईएसआर कांग्रेस उधर बीजेपी। अब कोवा साथ भी इलेक्शन आंदे दो कैंडिडेट खड़ती नहीं, इंडिपेंडेंट और एक तीन वाला खड़ता, चौथा वाला खड़ता, कौन की इलेक्शन में खड़े वाले क्या करती है, मुझे वोटा डालें दे तो रिश्वत बांटती लोगों को, भाई मैं ये कोर्ट को यथा पैसे देता हूँ मुझे वोट डाल भाई कहता। इन्हें नालायक एक नंबर का ईमान बेच को खाने वाला उसके नोटों के वास्ते वोट बेचने को खाता, एक नोट के वास्ते अपना वोटिंग पावर खो डालता। आप अंदाज़ा लगाओ आज अल्लाह हमने आजमाइश की दुनिया में रखा, हमारे बाबा हमारे दादा हमारे बुजुर्ग माशाल्लाह यहाँ हमारे सामने जिंदा हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। इनको पूछो इनके बचपने में इनकी जवानी में कौन तो भी इलेक्शन में पैसे बांटता था क्या, नहीं, खाली इलेक्शन आता था जाते थे सील मारते थे चिट्ठी मुदड़ते थे डब्बे में घुसड़ते थे, कौन की अकला जीतता था कौन की अकला हारता था। अब क्या आ गया, पैसे बांटने का आ गया। मैं जे खड़ा हूँ भाई काउंसलर को ये गली में, मिंजे दाल भाई कांग्रेस वाला क्या बोलता, एक नोट दे तो 500 की मिंजे दालो, उधर अपोजिशन पार्टी को मालूम होता ओहो इन्हें एक बांट रहा कहते मैं दो नोटा बांटता हूँ, उन्हें 500 दिया मैं 1000 दे दूँ, उन्हें 1000 रुपये दे रहा क्या मैं 2000 दे दूँ, मिंजा डालो वोट कहता इन्हें। हमें क्या करती जी, अपने ईमान को बेच को खाने वाले नालायक हैं जी, हमें एक नंबर के नालायक हैं बोलतू मैं। मामूली एक 1000 रुपये के वास्ते ईमान बेच डालती क्या तुम्हारा, अरे ईमान का सौदा है तुम्हारा। अच्छा इन्हें क्या करता, इधर भी मांग लेता उधर भी मांग लेता, कांग्रेस वाले के नहीं भी मांग लेता बीजेपी वाले के नहीं भी मांग लेता, डालता सो अकेले कुछ वोट लेकिन खाता सो दो दो जना के ने, ला भाई तुझे डाल तो ला भाई कहता, ला भाई तुझे डाल तो ला भाई, अंदर जाको कोसी मशीन में कहां प्रेस कर रहा कहने का, उन्हें क्या झांक को देखता उन्हें क्या ताक देखता, बाहर आग बोलता करेक्ट डाले उन्हें भाई तुझे डाले उन्हें, क्या भी फिक्र करना को तुझे कहां डालना हाथ डालियो, मेरे बेटे तुझे खड्डे में डालियो, देख तुझे वोट तो डाले नहीं खड्डे में डालियो। ऐसा एक अले को वोट डालता है एक अले को खड्डे में डालता है, एक अले को पैसा जिसका खाया रहता ज्यादा उसे वोट देता, कम दिया इस वाले को खड्डे में डाल, खाया कहीं को लिया कहीं को उसके पैसे, मामूली एक नोट लेने के वास्ते झूठ बोला ना रे तू उसे धोखा दिया ना बा तू। अल्लाह के नबी कहते अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत खाने वाला रिश्वत खलाने वाला दोनों अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। इलेक्शन के जमाने में देना भी जायज नहीं, उन्हें दिया तो तुम्हारा लेना भी जायज नहीं, कैसा जी लेते तुम्हें। अच्छा मैं सवाल करता हूँ तुम ना, इलेक्शन के वो एक नोट 500 की या दो नोट 1000 कितनी देर रहती तुम्हारी जेब में, एक घंटा एक दिन एक हफ्ता एक महीना एक साल कब तक रहती जी तुम्हारे जो में, कहाँ जाना हुआ चले आती, बरकत नहीं सो पैसे वो अल्लाह रत्ती भी बरकत नहीं रखा वो पैसे में, तुम्हें कमा को 50,000 1,00,000 रुपए जो बिरवे में जमा करे थे ना वो तुम्हारे हलाल कमाई के 1,00,000 रुपए की बरकत को ये हराम के पैसे की एक नोट उस बरकत को 1,00,000 की बरकत को सत्यानाश करने काफी है।
वो एक नोट जैसे ही लेती पूरी बरकत तुम्हारी अल्लाह सत्यानाश कर डालता। कहीं कुछ छीती वो हराम के पैसे तुम्हें, कहीं छीती जी अल्लाह के वास्ते हाथ लगाने को लेने को पैसे। जब तक हम लोग अपना वोटिंग पावर, वोटिंग का तो क्या, इंडियन सिटीजनशिप, इंडिया वाले हमें, हमारे बाबा दादा का खून है इस जमीन पर। आज भी दिल्ली के इंडिया गेट पर 150 पर 8 नामों में 140 नामा खाली मुसलमान शहीदों के नाम, नामों की लिस्ट है। नीचे खाली 18 नामा गैर मुस्लिमों के हैं, ऊपर के 140 नामा मुसलमान हमारे बाबा हमारे दादा हमारे बुजुर्गों के खून है इस जमीन पर। इंडिया की धरती पे हमारे बुजुर्गों के खून की शहादत है, हमारा हक जी है, हमें पैदा हुए इंडिया में, हमारा सिटीजनशिप, हमारा वोटिंग पावर हमारा हक है। जरा बैठो बेटे, बाद में दोगे, अब एक 10 मिनट में हो जाता, बाद में बैठोगे, बैठ। वोटिंग पावर हमारा नेशनलिटी हक है, वोटिंग वोटर आईडी जो आज हमारे पास है हमारा हक है। जिस इंसान को हमें वोट दे रही, किसे जिताना किसे हराना, किसे देना किसे नहीं देना, हमारा नेशनलिटी पावर है। वो नेशनलिटी पावर को हलाल तरीके से यूज करना हमें, हराम के पैसे खा को अगर हमें वोटा को बेच ले खाए तो अल्लाह हमारे सिरों पर क्या मुसीबत लाया बोलो, NRC CAA ये सारे मुसीबत अल्लाह का अल्लाह सिर पर खड़ा कर डाले। पहले ये रिश्वत बांटने का भी नहीं था, रिश्वत खाने का भी नहीं था, ये NRC की बीमारी भी नहीं थी, CAA की बीमारी भी नहीं थी। जब से हम लोग एक मामूली वोट को बेचने के वास्ते एक नोट खाए हराम का, अल्लाह NRC CAA की बीमारी अल्लाह को आजमाइश के तूफान ला खड़ा कर डाले। इंडियन लॉ में एक लॉ बन गया है, कानून बन गया। अब मोदी जारी करता कि मोदी का बाबा आको जारी करता कि मालूम नहीं, क्या करना इनको सिटीजन, इनको डिटेंशन सेंटर, वहां 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 डिटेंशन सेंटर बनाओ। इंडिया में दलितों को मुसलमानों को निकालो, डिटेंशन सेंटरों में रखो, या तो एनकाउंटर में शूट करो, नहीं का तो इंडिया से बाहर भगाओ। इन और रहने के हक नहीं, इनका वोटर आईडी भी काट लो, इनको वोटिंग देने का पावर ही नहीं। कहीं कुछ ही होना हम ना, ये मुसीबत कौन जी देखना था, ये हमें कब तो सोचे थे हमारे ऊपर ऐसे मुसीबत आती है तो हमें हराम का खाना शुरू करे। देखो हमारा वोटिंग पावर बेच ले खाना शुरू करे हराम की जहन्नम की अंगार, तब अल्लाह ताला ये मुसीबत अलग सिर पर बिठाया। अभी भी क्या भी नहीं बिगड़ा। अल्लाह क्या बोलता, जो आयत मैं शुरू खुतबे मसनूना के बाद पढ़िया, सूरह आले इमरान 139 नंबर की आयत, अल्लाह इस आयत में क्या बोलता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ मेरे बंदो, तुमको डरने की जरूरत नहीं, तुमको गम करने की जरूरत नहीं, तुम ही सरबुलंद रहोगे, दुनिया में भी तुम कामयाब रहोगे, आखिरत में भी तुम कामयाब रहोगे। कब, इन कुंतुम मुमिनीन। अरबी ग्रामर जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं यहां पर इन, इनके माने अगर, अगर ये इन कौन सा है, शर्त वाला इन है, शर्त। शर्त यह है कि तुम्हें पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजारो, पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजारो, तब अल्लाह बोलता दुनिया में भी तुम ही सरबुलंद रहोगे, आखिरत में भी तुम ही सरबुलंद रहोगे। ना तुम्हें कोई गम होगा, ना तुम्हें कोई डर होगा, ना कोई माई का लाल तुम्हें डरा सकेगा, कोई भी कोई कुछ नहीं कर सकेगा तुम्हारा, तुम्हारी इज्जत जबर से कोई जेर नहीं कर सकेगा। याद रखना, अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा, अल्लाह तुम्हारे ऐवानों को, तुम्हारे ताकतों को, तुम्हारे बीवी बच्चों की इज्जत और आबरू को अल्लाह हिफाजत करेगा। कब, कट्टर पक्के मोमिन होकर जिंदगी गुजारे तो अल्लाह तुम्हें इज्जत देता। अगर मोमिनाना छोड़ को मुनाफिकाना चाल चले, धोखे वाली जिंदगी, नालायकपन, अल्लाह को धोखा, बंदों को धोखा, ऊपर से मुसलमान, ऊपर से मोमिन, ऊपर से शरीफ ज्यादा, अंदर से शैतान ज्यादा, ऊपर पूरी शेरवानी, अंदर पूरी परेशानी, ऐसे जीना जिया, अल्लाह ताला उसे कहां गाड़ना हुआ गाड़ता, कहां जलील करना हुआ जलील करता। अल्लाह के नबी कहते हैं तुम्हारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला जो कौम खुल्लम खुल्ला गुनाह करेगी, बेहयाई के काम करेगी,
बेहयाई के गुनाहों के काम करते हुए जर्रा भी नहीं शर्मेगी। अल्लाह इस कौम पर जालिम हुक्मरानों को लाकर इनके सर पर मुसल्लत कर देगा। ये हमारे गुनाहों का नतीजा जी। आज देखो हमारे नौजवान का मर रही है, टिकटॉक का थे टिकटॉक, पिक्चर का कोसा थे गाना, फिल्म का कोसा थे डायलॉग, इन्हें मुंह से बजाता, कूलिंग ग्लास डाल लेता, स्टाइल मार ले को एक डायलॉग बोलता, टिकटॉक वीडियो बनाता, अपलोड करता। अब कितने जने लाइक करती, कितने जने व्यूज आती, इसे पैसे आते जाते इंटरनेट में। वहाँ घर में हमारी भान जिसे पर्दे में रखी, पर्दे में उसका पर्दा करने का पूरा गुर्दा उठ लग जा रहा, चार बंद कमरे में क्या कर रही उन्हें, बाबा कहने वाला, भाई कहने वाला एंड्रॉइड फोन दिला डाला हमारी भान को, हमारी अम्मा को, हमारी जोरू को, बंद कमरे में बैठ को वीडियो बनाती उन्हें टिकटॉक वीडियो। क्या फला अशील वेबसाइट पर सिर नहीं दिखे सर का, ये पूरा बदन पूरे कपड़े निकाल को लंगा बदन दिखे तो कहते कि डालर इसके वेबसाइट पर आ जाते हैं ऑटोमेटिक, सिर दिखाने की भी जरूरत नहीं, नीचे से उसका लंगा बदन दिखाई तो बस उसके अब ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में पैसे जमा हो जाते, घर बैठ को कमा रही। कहते कि लड़कियां टिकटॉक वीडियो बनाने में इश्क माशूखे के, प्यार करने के, आंख मारने के, किसी के दिल को मरगूब करने के पर्दे में रहना सो, बुरखा पहनने को, नकाब पहनने को पर्दे में रहना सो, बंद कमरे में बैठ को टिकटॉक बना पूरी दुनिया वालों के सामने अपना मुजरा खड़ा कर रही। ऐसे नालायक कौम को, ऐसे बीजेपी को, आरएसएस को, बजरंग दल को, ऐसे जालिमों को ला को सिर के ऊपर बिठाओगे तो अल्लाह नहीं बिठाता क्या? हमारी हालत उतनी बिगड़ गई है। अभी देखो फितना उठा कर्नाटक से, हमारे कर्नाटक मैसूर बेंगलुरु के बीच में मंडिया, मंडिया से फितना उठा, कौन? मुस्कान नामी लड़की कॉलेज में बुरखा पहन के जाऊंगी बोलकर जो अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करी, फितना वहां से उठा। नहीं, यूनिफॉर्म एक ही रहना कॉलेज में, कौन नकाब पहन ले काना नहीं, कौन बुरखा पहन ले काना नहीं, फितना उठा कर्नाटक से, पूरी हिंदुस्तान उसके आग के चपेटे में आ गया। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हो गया, क्या फैसला? कॉलेज में कोई लड़की बुरखा पहन को नहीं आ सकती। 24,000 लड़कियां इस साल SLC PUC का एग्जाम नहीं लिखे बुरखा नहीं पहनने को जानने की वजह से। नकाब नहीं डालना कानून बन गया, हमें नहीं डाले नहीं डाले लेकिन हमें एग्जाम नहीं लिखते। 24,000 लड़कियां कर्नाटक में एग्जाम नहीं लिखी, सिर्फ कर्नाटक की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, मुझे खुशी हुई। फेल हुए तो हुए तुम्हें, तुम्हारी ईमान की, तुम्हारे आबरू की इज्जत तो हिफाजत तो भी करे ना तुम्हें। बुरखा डाले तो एग्जाम लिखती, नकाब नहीं डाले सर का बुलाए हमें हरगिज एग्जाम नहीं लिख। 24,000 लड़कियां एग्जाम नहीं लिखे। अभी आगे देखो इनके पूरे इम्तिहान, इनके पूरी पढ़ाई पर बयान। कभी कर्नाटक में कानून बनता, माइक में अजान नहीं देना, फजर की अजान नहीं देना, फजर के अजान बंद थे। अब परसों ये हाई कोर्ट आर्डर दिया नहीं अजान दे सकती, कितने की महीने तक आप बंद थे। आज भी बेंगलुरु सिटी में कई मस्जिदों में फजर की अजान नहीं होती, क्यों? जालिम हुक्मरानों के 99 कानून। कभी बोलती है गाय हमारी अम्मा, बैल हमारा बाबा, नहीं काटना, सब भैंस हमारे दादा, खुलका हमारे पड़दादा, उन्हों क्या क्या बोलते जाते हैं, हमें काटे नहीं सरकार, मुर्गी खा ले को, अंडे मुल्ले को उबाल ले बैठना। मेरे भाइयों ये मुसीबतें कई का आ रही हमारे गुनाहों की वजह से आ रही। कभी अजा बंद, कभी हिजाब बंद, कभी ये बंद, कभी वो बंद, हमें कभी गौर करी क्या, हमें क्या ऐसा कर रही, हमारे कौन से अमल से हमारा अल्लाह नाराज हो रहा जिसकी वजह से आए दिन हमारे ऊपर मुसीबत, आए दिन हमारे ऊपर मुसीबत। आज हमें इतनी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही, हमारे आने वाली जनरेशन पीढ़ियों का क्या होगा, जरा सोच को देखो। हमें इतनी मुसीबतों का सामना कर रही, हमारे छोटे बच्चे जब बड़े होंगे ये हिंदुस्तान का रूप क्या हो जाएगा कहने का, वो सोच को देखो। अब भी क्या भी बिगड़ा नहीं, तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। अगर किसी का दिल दुखायर है जाको तुम्हें मौत आने से पहले उनसे माफी मांग लियो। अगर किसी से बातें छोड़े रहे 3 दिन से ज्यादा, तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी कुर्बानियां एक बिलिश्त ऊपर नहीं जा रहे, आसमान में नहीं जा रहे, अल्लाह के वास्ते माफी मांगो ताकि तुम्हारे आमाल अल्लाह के दरबार में काबिले कबूल हो। बोलने के वास्ते बहुत बातें हैं, तकरीबन 1 घंटा मेरा हो गया। कहीं का तो कल दांत मेरा